Hello everyone, good afternoon to all. So today we have another topic which is based on your competition exams like RPSC first grade, second grade, कॉलेज लेक्चर और इन सब में इसका काफ़ी यूज़ होता है एंड द टॉपिक नेम इज़ ग्रुप. ओके सो लेट्स स्टार्ट. बट मेन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन इन ए सेट जी, देन जी स्टार इस टाइप का एक सीक्वेंस और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. राइट, फॉर एग्जांपल एन प्लस एंड आई प्लस, दीज आर एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स. बट बात यह आती है कि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है एंड बाइनरी ऑपरेशन को ट्रीट कैसे करेंगे. आई मीन सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पर यही है कि बाइनरी ऑपरेशन है क्या. सो स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है. बाइनरी ऑपरेशन बेसिकली वी कैन से जो हमारे पास साइन होते हैं प्लस, डॉट, क्रॉस, स्टार, रिंग प्लस, रिंग डॉट, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन. अगर नॉर्मली हम बाइनरी ऑपरेशन की बात करें तो बाइनरी ऑपरेशन इज ए मैपिंग फ्रॉम A cross A tends to A if A is a given set. Okay, and the property और सबसे important इसकी property होती है कि closure property को hold करता है. Now what is closure property? If A belongs to A in this set and B belongs to this set, then implies that A star B also belongs to this set. Alright, for example N plus and I plus. N is set of natural number and I is set of integers. इस सेट के लिए ये बाइनरी ऑपरेशन है तो इस बाइनरी ऑपरेशन के लिए ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करता है. ओके सो क्लोजर प्रॉपर्टी इज A belongs to A, B belongs to A implies that A star B belongs to A. So we take 2 belongs to natural number and 3 belongs to natural numbers. Now binary operation is plus, so A plus B also belongs to natural number. अगर ऐसा होता है तो ये बाइनरी ऑपरेशन है, दैट इज़ ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है, अदरवाइज ये नहीं होगा. सो 2 + 3 = 5, 5 ऑल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. ओके सो दिस इज एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. द स्टडी ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एल्जेब्रा. ओके सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्रा. Study of algebraic structures or algebra. Next एक important thing is, one more thing is, algebraic structure को हम groupoid भी कहते हैं and quasi group भी कहा जाता है. Alright, next is loop. A groupoid or an algebraic structure can be a loop if it exists identity element. Now what is identity element? This is the basic. We know, we have already read this in 12th class. I think, okay. So प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0 एंड मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1. बिकॉज प्लस के लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है जिसे किसी नंबर में ऐड करने पर वही नंबर फिर से मिलता है? ऑब्वियसली 0. फॉर एग्जाम्पल 5 में आप ऐसा कौन सा नंबर ऐड करो कि फिर से आपको 5 मिले? 0. सो प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 0. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट विल बी 1. ऑलराइट, next topic is semi group and semi. An algebraic structure G star be a semi group if it holds associative property. Now what is associative property? A star B star C is equals to A star B star C. अगर आप पहले इन दोनों को ऑपरेट करें और फिर इसे ऑपरेट करें तो आंसर हमेशा वही आएगा जो पहले इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद इससे ऑपरेट करने पर आता है. राइट, now semigroups examples are n plus, n dot, z plus, q dot, r plus. These are semigroups, but z minus is not. Why? First of all, जो semigroup है पहले तो उसका एक example लेते हैं. For example n plus is a semigroup, So we take three numbers like 3, 4 and 5 belongs to natural number. Now 3 plus 4 प्लस 5 देखते हैं ये इसके इक्वल आता है या नहीं आता। 4 प्लस 5 इसके 3 प्लस 4 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 5 प्लस 4 9 7 प्लस 5 12 इज इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12 सो दीज आर इक्वल दैट मीन्स n प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है दैट मीन्स इट इज़ ए सेमी ग्रुप ऑलराइट बट z माइनस इज नॉट ए सेमी ग्रुप ऑलराइट लेट्स चेक इट लेट अस अज्यूम 3 4 एंड 5 बिलोंग्स टू Z, okay, obviously Z में belong करते हैं, these are set of integers. Now 3 binary operation is minus 3 minus 4 minus 5 पहले हम इसे ऑपरेट करते हैं after that 3 minus 4 minus 5 फिर इसे ऑपरेट करते हैं and let's see these are equal or not. Okay, 3 minus 4 minus 1 minus 5 is equals to 3 minus 4 minus 5 minus 1 minus minus प्लस 1 हो जाएगा वो अगले स्टेप में देखते हैं माइनस 6 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1 दैट इज 4 सो दीज आर नॉट इक्वल दैट मीन्स z माइनस के लिए माइनस बाइनरी ऑपरेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता सो इट इज़ नॉट ए सेमी ग्रुप. नेक्स्ट इज मोनाइड. इफ ए सेमी ग्रुप G star एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट प्रॉपर्टी देन इट इज कॉल्ड मोनाइड. सिंपल फॉर एग्जाम्पल n plus n dot is a monoid because 1 belong करता है natural numbers में but n plus is not because 0 belong नहीं करता natural number में और हमें plus के लिए identity element कौन चाहिए obviously 0. 0 must be contained in our set but 0 does not belongs to natural numbers so n dot is a monoid but n plus is not a monoid. Alright, next the main topic is group. So G star एक binary operation है ये group होगा if and only if it holds these axioms these 4 axioms. कोई G star मतलब कोई भी group G star binary operation के लिए अगर इन चारों properties को hold करता है then it will be a group otherwise not. Okay, first is closure property. Closure property we have read about. A belongs to G, B belongs to G implies that A star B belongs to G. Okay. Next associativity. A star B star C is equals to A star B star C. Okay. For all A B C belongs to G. Existence of identity element. A star E is equals to A is equals to E star E. Means identity element से किसी भी number को operate करने पर वही number फिर से हमारे पास मिलता है. Okay. Next is existence of इन्वर्स एलिमेंट. इन्वर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है एक ऐसा नंबर फॉर एग्जांपल ए जिसे ऑपरेट करने पर जिसे किसी दूसरे ऐसे नंबर से ऑपरेट करें कि हमेशा हमें मिले आइडेंटिटी एलिमेंट. ओके फॉर एग्जांपल 5 लिया हमने 5 को किससे ऑपरेट किया जाए और आपके पास मान लेते बाइनरी ऑपरेशन डॉट है यानी मल्टीप्लिकेशन. ओके तो 5 को किससे ऑपरेट करें कि आपके पास डॉट के लिए मल्टीप्ली आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 1 सो 5 को किससे ऑपरेट किया जाए कि 1 आ जाए ऑब्वियसली 1/5 से 5 कैंसिल आउट एंड दिस विल बी 1. ओके तो 5 का इन्वर्स क्या होता है 1/5 किसके लिए डॉट बाइनरी ऑपरेशन के लिए. ऑलराइट सो इफ ए सेट इज सेटिस्फाइंग दीज 4 कंडीशन दैट विल बी अ ग्रुप. ओके अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती अप्लाई नहीं होती तो वो ग्रुप नहीं होगा. ऑलराइट इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं ए मोनोइड G स्टार बी ए ग्रुप इफ एवरी एलिमेंट ऑफ G एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी. मोनोइड में अगर हमने पढ़ा हो तो क्या था एक सेमी ग्रुप दैट एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट. सो सेमी ग्रुप है दैट मीन्स बाइनरी ऑपरेशन है उसमें और क्लोज्ड प्रॉपर्टी पहले से ही होल्ड करता है वो ठीक है और सेमी ग्रुप है दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आ गई. तो दो प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं एक प्रॉपर्टीज आइडेंटिटी एलिमेंट की यहाँ पर हो गई और एक फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पर इसने लिख के बता दी दैट G एग्जिस्ट इनवर्स एलिमेंट प्रॉपर्टी. सो बेसिकली डेफिनेशन सेम रहेगी कि ये चारों प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए किसी भी सेट के थ्रू किसी बाइनरी ऑपरेशन के लिए. ऑलराइट फॉर एग्जाम्पल Z प्लस और I प्लस इज ए ग्रुप. लेट्स सी z प्लस इज ए ग्रुप, ये हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर इज ए स्टार a belongs to z, b belongs to z, so implies that a star b also belongs to z। हमें ये प्रूफ करना है। लेट्स सी, कोई भी आप दो नंबर्स लीजिए z में, फॉर एग्जांपल हमने लिए 2 एंड एक ले लिया -5, ओके, और बाइनरी ऑपरेशन इज प्लस, सो a 2 belongs to z, -5 belongs to z, implies that 2 star means plus, b means -5 also belongs to z। अब इसको सॉल्व करो, अगर ये बिलोंग करता है z के अंदर दैट मीन्स z प्लस क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। सो 2 -5 दैट इज -3 विच इज बिलोंग्स टू z, दैट मीन्स इट होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। सेकेंड इज एसोशिएटिविटी। एसोशिएटिविटी z के लिए हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, दैट इज ये एसोशिएटिव भी है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस इज 0 और 0 क्या बिलोंग करता है z के अंदर, यस, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट भी अप्लाई होती है z के लिए, ओके। नेक्स्ट एज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ओके। फोर्थ प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ऑलराइट। सो फॉर एग्जाम्पल वी टेक 2 belongs to z, तो अब हमें 2 के लिए एक ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसे 2 में प्लस करने पर हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट। सो z के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होना है, प्लस के लिए 0, तो z में ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि 0 आ जाए, ऑब्वियसली -2। अब क्या -2 बिलोंग करता है z के अंदर, यस, -2 बिलोंग्स टू z, सो ये होल्ड करता है कौन सी प्रॉपर्टी को, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, ऑलराइट। दैट मीन्स z प्लस चारों प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, तो z प्लस क्या हो गया, एक ग्रुप है, हेंस प्रूफ, ऑलराइट। नेक्स्ट इज एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कम्यूटेटिव? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a फॉर एडिशन एंड a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a फॉर मल्टीप्लीकेशन। दिस इज ऑल वी नो, ऑलराइट। सो एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, एक ऐसा ग्रुप जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, दैट विल बी कम्यूटेटिव ग्रुप, ऑलराइट। सो अब चलो एक क्वेश्चन ये, दैट z प्लस इज ए कम्यूटेटिव और नॉट, लेट्स फाइंड आउट। दिस इज योर वर्क, ओके, जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, ऑलराइट। इफ g स्टार बी ए abelian group, an abelian group if it exists or hold commutative property that is a star b is equals to b star a, ये आपका प्रूफ करना है। अगर ऐसा होता है तो कम्यूटेटिव है, अगर नहीं होता तो कम्यूटेटिव नहीं है, तो उसे हम कहेंगे an abelian, alright। so this is our group, thank you so much and please share, subscribe Mathsweb।